अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मच्छी का हल्दोनी बना रहे हैं, मच्छी का सालन बना रहे हैं, और फिश फ्राई जो अभी हमने किए हैं वो फिश फ्राई उसमें डालेंगे। आप देखो, कोकनी तरीके से नहीं है, हम हमारे तरीके से बता रहे हैं। आप देखो, ऐसा बनाओ, खाओ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ये देखो, ये टमाटर प्यूरी है हमने बनाया, हमको 10 रुपया किलो टमाटर मिल रहा है, इसलिए हम लाके बना के रख रहे हैं। इजी पड़ता है, फटाफट काम हो जाता है, इसलिए ये हम बनाए। अब ये 5 चम्मच, ये चम्मच का माफ है, ये चम्मच 5 चम्मच टमाटर प्यूरी, कोथमीर है और इसमें करी पत्ता है। वीडियो के नीचे ये लिंक डालूँगी, वो देखो कैसी बनाई हूँ, ऐसी बनाओ खाओ तो सस्ता भी पड़ेगा, अच्छा भी लगेगा। और ये कैरी है, ये कैरी अंगूसी बोलती है कोकनी में, वो हमने 1 घंटा पहले भिगाए, खट्टा ये खट्टा लगने के लिए। लहसुन है बघारने के लिए, 1 लहसुन को चॉप किए हैं, थोड़ा सा जीरा लिए हैं आधा चम्मच मेथी दाना लिए बघारने के लिए, 1 चम्मच नमक लिए हल्दोनी बनाने के लिए, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर लिए हैं, हल्दी पाउडर आधा चम्मच है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कुटा भुना जीरा है, और 1 चम्मच लहसुन का पेज है, इसमें अदरक नहीं है। और ये मच्छी हम फ्राई करके अभी अलग से बताएं वीडियो, वही मच्छी हम उसमें डाल के हल्दोनी बना के आपको बता रहे। 2 चम्मच तेल डाले हमने, अभी हम इसमें लहसुन डाल रहे। ये देखो लहसुन हो गया, अभी करी पत्ता डाले, अभी ये देखो ये मेथी दाना और जीरा डाल रहे। ऐसा भी हल्दोनी बहुत टेस्टी लगता है, सालन मच्छी का कोकनी रेसिपी नहीं है, हम हमारे तरीके से बता रहे, हर तरीका हमको आता है बनाने के लिए। ऐसा बनाओ खाओ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ये देखे अभी लहसुन भून रहे इसके अंदर, हाँ इसमें अदरक नहीं डालते, हाँ लहसुन डाल रहे आपको बता रहे। ये देखो अभी ये टमाटर प्यूरी डाल रहे, इसको भी भुनेंगे अच्छे से। अभी पूरे मसाले आपको दिखाए वो डाल रहे हम, ये देखो और भून रहे। आपको खोपरे का दूध डालना है तो डालो, हम नहीं डाल रहे, खोपरे का दूध भी डालेंगे तो अच्छा लगेगा, हाँ तो खोपरे का भी टेस्ट आएगा, हम नहीं डाल रहे, आप डालो मंगता तो, नहीं तो मत डालो, ऐसा बना। ये देखो अभी ये पानी है ना, टमाटर प्यूरी का प्याला है, वो भर के पानी डालें। अभी ये अंबुस्ती खटाई डालें, हमने इतनी बचाए, आधी डाले आधी रखे, अगर ज़्यादा खट्टा तीखा चाहिए तो डालो आप। अभी कोथमीर डालेंगे, और इसको एक उबल आ गया कि मच्छी डालेंगे, मच्छी फ्राई किए वो डालेंगे, एकदम फर्स्ट क्लास टेस्टी लगता सालन में। ये देखो अच्छे से मसाला भून के हो गया, अभी इसमें हम ये देखो जो फ्राई किए ना पीस वो डाल के हम सालन बना रहे। देखो ऐसा बनाओ खाओ, एकदम टेस्टी लगेगा। अभी इसको फ्राई डालेंगे ना उसके अंदर, फिर देखो थोड़ा पकने के बाद सब पलटी करो, और फिर उसको 1 मिनट पकाओ ढक्कन रख के, और फिर बंद करो। ये देखो मच्छी का सालन पक के तैयार है, अभी हम इसको सब कर रहे, डिश आउट कर रहे। मच्छी का हल्दोनी, मच्छी का सालन बन के तैयार है, कोकनी तरीका नहीं है इसमें, हमारे तरीके से बनाए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, बनाओ खाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो प्लीज़।